एक मिनट भी नहीं रुक सकती। धोखा हुआ है हमारे साथ। इनकी लड़की का तो ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, इसीलिए मुंह छुपा छुपा कर फिर रही थी वो। मैडम शमीमा, तू तो जरा बात चाल ना मेरे नाल। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जो इन लोगों की असलियत आगाज में ही खुलकर सामने आ गई। ऐसे झगड़ालू और जाहिल खानदान में हम अपनी मनमानी को झोंक नहीं सकते। इससे तो बेहतर है यही बैठी भी बूढ़ी हो जाए। और याद रखिए, हमारी बेटी हमारे पे बोझ नहीं है। और तुम भी सुन लो, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। आपकी लड़की को किसी ने भी नहीं लेकर जाना, भाइयों के सीने पर चढ़ के मुंह में लेगी सारी। समी मारा, कहा ना मैं आगे बात नहीं बढ़ाना चाहती। आप मुझे देखने के लिए आए, देख लिया। अब आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चलते बनिए, और आइंदा इस घर का रुख करने की कोशिश भी मत करना। ऐसे अब समझाऊ मैं? क्या समझा? ये सारा तुम्हारा प्लान था? क्यों भाई, डिमांड हमसे क्यों? हम क्यों इनकार करें? अगर हिम्मत है तो जाओ बाहर जाके इनकार कर तो जाओ। कर चुकी हूँ मैं इनकार, और एक नहीं कई बार कर चुकी हूँ। लेकिन मेरी फैमिली को लगता है कि अगर मेरी शादी शायद अभी नहीं हुई ना, तो कभी भी नहीं होगी। और मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एंड शादी इज जस्ट नॉट ऑन द लिस्ट राइट नाउ। लेकिन ये बात अब कोई समझे तब ना। तो क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने की जो तुम्हें समझते ही नहीं? तो वहां जाओ ना जहां तुम्हारी कदर हो, जो तुम्हें समझ सकता हूं। कहां जाऊं? मेरे रूम में, मेरे घर में, मेरे पास। देखो अब सारी चीजें तैयार हो रही, हम लोग रिश्ता लेकर आए, बस तुम हाँ कर दो।